नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरे जो सॉफ्टवेयर है, ये एमई ब्रोकर एंड मेटा ट्रेडर दोनों के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना रिटर्न आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरे वीडियो को देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। देखिए, आज को मैं कुछ बेसिकली ऑफलाइन वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट 2-3 दिन का निफ्टी का परफॉर्मेंस का ऊपर। तो बेसिकली मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये MT4 का ऊपर बेस करके काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्कैल्पिंग एंड ट्रेंड रिवर्सल का थ्योरी भी डाला हुआ है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, एक्चुअली सॉफ्टवेयर हम लोग का एडुकेशनल पर्पज़ यूज़ किया जाता है। इसे हम लोग एज ए एडुकेशनल सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, चार्ट एनालिसिस को समझने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर का काम होता है बेसिकली मार्केट का बायर्स एंड सेलर्स को फिल्टर करना, और ट्रेंड का ऊपर डिपेंड करके आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है जो कहाँ पर हम लोग को बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है, कब आपको एग्जिट करना है। इस तरीके का पूरा ये नॉलेज आपको देते रहता है। तो बेसिकली देखिए, ये जो मेरा सामने अभी निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, तो ये जो ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज द सिग्नल। इसे हम लोग सिग्नल कहते हैं। तो ये जो बाय का कॉल दिया था 28 तारीख को आया था, लगभग उसका वैल्यू तब चल रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं। 1 मिनट, लगभग पकड़ लीजिए 9369, इसका क्लोजिंग वैल्यू को ही मैं पकड़ रहा हूँ। देखिए, 9369 के आसपास से बाय का कॉल दिया था लास्ट। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर होता है, जो जब भी कोई कॉल बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोटिस आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अभी कॉल कितना सही है, इसमें ट्रेड करना है या नहीं करना है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जिस दो कंडीशन को देखते हैं, मिडिल में आपको एक देखिए ग्रीन कलर का लाइन दिखाई दे रहा है जो स्मूथली ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो इसका मेन ट्रेंड लाइन होता है। तो बाय का कॉल में इस लाइन का कलर को ग्रीन होना चाहिए, और मिडिल में कुछ वायलेट टाइप का आपको छोटा छोटा कैंडल दिखाई देगा, जिसे हम लोग ट्रेंड कैंडल कहते हैं। तो यहाँ पर जस्ट ट्रेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो जब भी कोई बाय का कॉल बनेगा, आपको जस्ट इन दो कंडीशन को मैच करना है। अगर ये दो कंडीशन मैच हो रहा है, इसका मतलब है ये कॉल आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग कॉल रहेगा। और जिस कैंडल में कॉल बनता है, हम लोग हमेशा उसका नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड करेंगे, उस कैंडल में आपको ट्रेड नहीं करना है, चाहे आप जो भी टाइम फ्रेम फॉलो क्यों ना करें, चाहे वो 5 मिनट हो या 15 मिनट हो या कुछ भी। तो जब तक कोई कैंडल ख़त्म नहीं होकर नेक्स्ट कैंडल नहीं आएगा, तब तक आपको ट्रेड नहीं डालना है। तो देखिए, यहाँ से आपका ट्रेड पकड़ा था और कंटिन्यूअसली 28 तारीख का कॉल, 29 तारीख, 30 तारीख भी ये आपको कंटिन्यू किया है, मार्केट यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो मिडिल का लाइन देखिए, अभी तक मिडिल का लाइन थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ ग्रीन से रेड में, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है टोटली बाइंग ट्रेंड है। तो जब तक ये लाइन चेंज नहीं होता है, तब तक मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं कहीं पर भी एग्जिट कर सकता हूँ, दैट इज़ माई पर्सनल मैटर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये टोटली ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर बेस करके चलता है। और भी छोटा छोटा यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है, ज़्यादा आपको देखने का जरूरत नहीं है, आप जस्ट सिग्नल को फॉलो कर सकते हो, ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, और इसके अंदर कहीं पर भी आप अपना एक नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर इस मार्केट रिलेटेड आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियोस देखना है, तो वीडियो का नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर मुझे जाकर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।